யூதா குலத்தின் சிங்கம் எனக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறா. யூதா குலத்தின் சிங்கம் எனக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறா. கலங்கேனே பதரேனே, கலங்கேனே பதரேனே. दिखाई देती है, उस टिटिया दिखाई देती है, एलक दिखाई देती है. तुरंत उन्हें ये मत बोलो शैतान है, वो यीशु के सामने घुटने पर आओ, परमेश्वर मुझे क्षमा करना, मैं मन फिर जाता हूँ, परमेश्वर मेरे भलाई को मत बिगाड़ो. परमेश्वर नहीं बिगाड़ता है, परमेश्वर की सेना बिगाड़ने के लिए आई है. उसकी सेना आई है, क्यों आई है बोलिए, क्यों आई है उसकी सेना? क्योंकि आप भलाई में ही सो रहे हैं ना, आशीर्वाद नल्ला तूंगी, आप आशीर्वाद में अच्छे सो रहे हैं ना. आशीर्वाद उस आशीर्वाद को छीनने के लिए आई है. कुछ नहीं रहता है तो परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं. कीसा में कुछ नहीं तो प्रभु के लिए दौड़ते हैं. जब कीसा में आ गया सब, पहला नरिया वंदना कार वंडी बंगला ने वंदितना, जब गाड़ी बंगला सब आ जाती है, चैन से सोते हैं, नल्ला अमेदिया तुंगो. हेलो, उन्हें विलिक्य वाइकरण के आंडर को तेरी हो, तुझे जगाने के लिए भी मेरा परमेश्वर को पता है. उन्हें ये अपनी निरुत्तर वाइकरण आंडर को नल्ला, तुझे कैसे कड़ा करना मेरा परमेश्वर को पता है. ये अपनी वंगला ये ना और कुयावन, क्योंकि वो हमारे कुंभार है. खाली मन मरंद रात है, उस कुंभार के हाथों में रहने वाले हम मिट्टी है, इसे मत भूलना. उसको पता है, वो ऐसे अपनी सेना को भेज देगा. वचन में लिखा है, सेना ये सब उसकी सेना है. आमेन. पच्चीस वर्षंगली जो 25 में लिखा है, பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். நாமக் டிட்டியானே, அர்த்தாத் மேரே படே தல் கி ஜிஸ் ஜிஸ்னே तुम्हारे बीच में भेजा काली थी उसमें उसकी हानि तुमको भर दूंगा. வசனத்தை ஒழுங்கா கவனிக்கணும். பட்சித்த வருஷங்கள் ஜோ இஸ் வசனம் கொஞ்சம் தெரிசி தியான் देना, काली थी मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा. எப்படி எழுதுறது? The years that locust has eaten, the years, adha namak point out pananum. Yes, varshangal angrezi likha aur tamil mein likha years aur hindi mein aisa likha nahi. Jin pehle likha ki jin varsh ki upaj, jin varsho, amen, varshangal, jin varsho ki upaj, amen, varshangalin vilai, jin varshon ki upaj. அப்ப இந்த சேனைகள் இந்த பூச்சிகள் எல்லாம் தின்னதே, ஜோ ஏ படே தல் ஏ படா சேனானே ஜோ காயதே, எதெல்லாம் உங்களை பட்சித்து போட்டதோ, ஜோ ஜோ तुम्हारी उपज को खा बैठे थे, அந்த வருஷம், उस वर्ष, அந்த வருஷங்களில், the years, उस वर्षों की, அது என்ன செய்வாரா? उसे परमेश्वर क्या करेगा? திரும்ப அளிப்பார், तुम्हें वापस देगा. हालेलुया. the god is I'm a wonderful God. अपने परमेश्वर इतने अद्भुत से बड़ा है. The years, उस वर्षों, ஒருவேளை நீ வயசாயிட்டே நினைக்கிறீங்களா? समझ, आप सोच रहे कि मेरा उम्र बीत चुका है. ஒருவேளை நினைக்கிறீங்க நான் வயசாயிட்டேன், ரொம்ப வயசாயி போச்சு நினைக்கிறீங்களா? आप ये समझ रहे कि सोच रहे कि मेरा उम्र बीत चुका है, अभी क्या होगा? Amen. மூப்பர்களே கேளுங்க, अपने बुजुर्गों को पूछो. முப்பத்திகளே கேளுங்க, बुजुर्गों को पूछो. சிறு குழந்தையே கேளுங்க, छोटे बच्चों को पूछो. வாலிபனே கேள், நவஜவானோ सुनो. ஆண்டவர் வருஷத்தை மீண்டும் தருவார். परमेश्वर तेरे वर्ष, तेरे साल को वापस लौटा कर देगा. நீ என்ன வயசானாலும் பரவாயில்லை, जो भी उम्र आपको आने दे, எந்த வருஷங்கள் போய்ட்டோ, जो वर्ष ऐसे चला गया है, அந்த வருஷத்தை தேவன் தருவார். उस वर्ष को परमेश्वर वापस लौटा कर देगा. The God of a God is a restore God. हमारा परमेश्वर जो है हमें लुटा कर देने वाला परमेश्वर है. क्या आपकी जिंदगी पर इस तरह की कीड़ा ने सब उपजों को, अन्न को खा लिया है? नो मैटर, बड़ी बात नहीं है. नो मैटर, बड़ी बात नहीं है. திருத்துவதற்காக வந்தது, तुम्हें वहां से मोड़ने के लिए आया था. ஆண்டவர் சொல்கிறார், इसलिए परमेश्वर कहता है, I want to restore the years. जो वर्षों को उसने खा लिया था उसे मैं वापस लौटा कर दूंगा.
तुम्हारे आत्मिक जिंदगी पर जो जो बातों पर अपने हानिकारक पाए थे उसे ये मत बोलो हानिकारक पाए थे, परमेश्वर ने तुम्हें कहा कहा आपकी जिंदगी को रिपेयर किया था। मोसे की 40 वर्ष आ चुके, मूसा के लिए 40 साल हुआ, मुझे पता नहीं तुम्हारे लिए कितने साल हुआ, तुम्हें रिपेयर करने के लिए परमेश्वर को कितने साल हुआ मुझे पता नहीं, मूसा को रिपेयर करने के लिए 40 साल हुआ परमेश्वर को, तुम्हें रिपेयर करने के लिए 10 साल हुआ, तुम्हें सही करने के लिए सेवक को लेकर भविष्यवाणियों को भविष्यवक्ता को लेकर भविष्यवाणी कर कहीं वचनों को बताकर तुम्हें सीधा या रिपेयर करने के लिए 10 साल या 15 साल हुआ रहेगा। परमेश्वर कहता है इस 15 साल में तुम्हारे लिए जो आने वाले 15 साल की भलाई, तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद 15 साल में आना था, तुम्हारे लिए आत्मिक आशीर्वाद आना था, 15 साल के आशीर्वाद को तुम्हें लौटा कर दूंगा, लौटा कर दूंगा। कुछ लोग मेरे पास आकर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या 15 साल के पहले ये सब मुझे समझ में आना चाहिए था, 30 साल के पहले मुझे समझ में आना चाहिए था, यदि मुझे समझ में आता तो मैं परमेश्वर के लिए उपयोग होता था। ब्रदर पवित्र आत्मा तुमसे कहता है कि उसके बारे में चिंता मत करना, मैं जब बात करते पवित्र आत्मा कहता है यहाँ कुछ लोग हैं मेरे लिए उम्र हो चुका है, मेरा उम्र हो चुका है, मेरा उम्र हो चुका है, बहन तेरे लिए उम्र नहीं हुआ है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, क्या मेरे नौजवान की उम्र पर परमेश्वर के लिए उपयोग होना चाहिए था, मेरा तो अभी शादी हो गया, शादी हो चुका है, अभी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मन दुख उन्हें पार्थ देवन वार्निंग इस तरह के दुख के साथ बैठे हुए तुम्हें देखकर परमेश्वर कहता है अभी भी उम्र नहीं हुआ है, इन्नू नाल पोगल है, अभी भी समय काफी है, आंडोर ने वर्षों तक उनको मीडम तरगरा, वो जो बीते हुए साल को परमेश्वर तुम्हारे लिए लौटा कर देगा, yes you lost that, जो साल तुम खो बैठे हैं, yes the gone, जो साल तुम्हारे लिए गया है, my God is giving a promise for you, मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए एक वायदा देता है, देवन उनको वाग्दानम कोडुगरा, तुम्हारे लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है, अंड वर्ष तक मीडम तरगरा, जो बीते हुए गया वह साल की भलाई को परमेश्वर तुम्हें लौटा कर देता है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, जो आत्मिक आशीर्वाद, आशीर्वाद, जो आत्मिक आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद, नहीं आंदोलन का भय बड़ा होगा, परमेश्वर के लिए उपयोग बड़ा होगा, परमेश्वर की हाथ तुम्हें उपयोग, परमेश्वर तुझे उपयोग करने वाला है, जो बताते हुए परमेश्वर की आत्मा मुझे बारंबार कहता है, जब प्रतिदिन प्रार्थना करते वक्त वो पूरा बीत गया है, मेरा शादी हो चुका है, अभी मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, सिल वालिब पिल्लेगल वालिब पर्वत ननैत्र अय्यो अंद नाळ आंडवरुक्कु सेयल्पट्टु कूडादा एंड सोल्लि इंद नाळ तिरुमणमान सिल सहोदरिगल पुळम्बिक कोंडिरुक्कदे निर्त्त वेंडुम एंड आवियानवर सोल्लुगिरार, पवित्र आत्मा तुमसे कहता है कि मेरे जमाने की समय पर मैं कर सकता था, कर नहीं पा कर करने के लिए मुझे समझ नहीं आया था, अभी समझ आ रहा है, अभी शादी हो चुका है, कैसे करो, ये सब बातों को विलाप वाली बातों को छोड़ दो करके पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि बारंबार तू परमेश्वर की उपस्थिति पर विलाप कर रहा है, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ भाई लोग हैं, दिल तोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति पर रो रहे हो, परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, इस साल को जो गया वह सालों को मैं वापस लौटा कर दूंगा, उस सालों को मैं तुझे लौटा कर दूंगा, जब रोड पर चल के आता हूं, जब सड़कों पर चलते वक्त, जब घर पर व्यक्तिगत प्रार्थना करते वक्त, आप रोकर विलाप करते हो, क्यों परमेश्वर, मेरे जवानों के समय पर मैंने उपयोग नहीं हुआ, अभी मेरा शादी हो चुका है, अभी मेरे सब बच्चे आए हैं, बच्चों को पालन पोषण कर 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 समय चला जाती है, अभी मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, इस सवालों को छोड़ना है करके परमेश्वर तुमसे कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, वो
जो बीते हुए सालों को मैं वापस तुझे लौटा कर दे रहा हूं, ये आ रहा है, ये जो साल आ रहा है, मैं कहना चाहता हूँ, गुड न्यूज़ சொல்லட்டுமா, एक अच्छी संदेश बताना चाहता हूँ, केवल आप नहीं கூட உங்க பிள்ளைகளும் ஆண்டவருக்கு பயன்பட போறாங்க, साथ में आपके बच्चे भी परमेश्वर के लिए उपयोग होंगे, கூட உங்க பிள்ளைகளும் ஆண்டவருக்கு பயன்பட போகிறார்கள், மில்கர் आपके बच्चे भी आपके लिए काम करने वाले हैं, நீங்கள் இளம் வயசுல என்னத்தை இழந்தீர்களோ, आपकी जवानी की उम्र पर जो जो बातों को खो बैठे थे, நீங்கள் இளம் வயதுல எதை இழந்தீர்களோ, जवानी की उम्र पर जो जो बातों को खो बैठे थे, ஆண்டவர் யாவனே சொல்லுகிறார், பவித்திர ஆத்மா கேட்டார், புள்ளையோடு சேர்ந்து நீ ஆண்டவர் கை எழும்புவாய், तेरे बच्चों के साथ मिलकर तो परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाले हैं, तुम अपने बच्चे के साथ मिलकर परमेश्वर के लिए उठेंगे, तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर परमेश्वर के लिए महिमा से उपयोग होने वाले हैं, परमेश्वर कहता है तेरे परिवार परमेश्वर के लिए उठेंगे, देव समूहत्तिले क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति पर इन बातों के लिए वे लोग ने दुआ किए थे, इस बातों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति पर वे लोग ने विलाप किए थे, इस बातों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति पर हमने दुख उठाए, परमेश्वर के हाथ तेरे परिवार के ऊपर आया है, तेरा बेटा भविष्यवाणी करेंगे उसे आप देखेंगे, तेरे बेटी भविष्यवाणी करेंगे इसे आप देखेंगे, तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करने वाली बातों को लोग देखेंगे, तेरे नौजवान जवानियों को परमेश्वर उपयोग करने वाला है, कुमार अरे कुमारती है, तेरे बेटे बेटियों को समुलासी माथो रांधी नामा जमु लेखे रे जोबरा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देख रहा हूँ, कुमार पार्थ नहीं संतोष पड़वा, तेरा बेटा भविष्यवाणी करेंगे इसे देखकर आप आनंदित मनाएंगे, संतोष पड़वा, तेरे बेटी भविष्यवाणी करेंगे इसे देखकर आप आनंदित मनाएंगे, कुमार तेरे जगह पर तेरे बेटे लोग परमेश्वर के लिए उपयोग होंगे, दर्शन पार कर रहे हैं, मैं ये बताते हुए एक दर्शन को देख रहा हूँ, एक बड़ा जगह है, हमें ये जगह हमारे लिए काफी नहीं है, व्यत्यास पवित्र आत्मा हमारे लिए एक बड़ा निरा एक बड़ा विस्तार जगह की ओर लेकर जा रहा है, पवित्र आत्मा कहता है इस कलीसिया पर कुछ परिवार है, उन्हें मैं खड़ा करूंगा, वो मेरा सेना है, वो मेरा सेना है, वो परिवार मेरा सेना है, उनके ऊपर मेरे अभिषेक को रखूंगा, उन्हें लेकर बड़े बड़े कामों को कराऊंगा, उन्हें लेकर मेरे कामों को करूंगा, एक शोर में प्रकाश तेरे बेटे बेटिया परमेश्वर के लिए उठकर ज्योति देंगे, कुमार तुम्हारे बेटी के लिए एक नाम दिया जाएगा, दे आर द स्टार ऑफ गॉड, वे परमेश्वर के लिए एक तारा है, वे परमेश्वर के लिए तारहन की समान चमकेंगे, उन कुमारतिगलम कुमारगलम आंडवर का यलंब बोधे, तेरे बेटा बेटिया परमेश्वर के लिए जब उठेंगे, अवरगल आंडोडे कई गलर के नक्षत्रंगल, वे परमेश्वर के हाथ में रहने वाले तारहन लोग, अवरगल कतोडे कई गलर के नक्षत्रंगल, वे परमेश्वर के हाथ में रहने वाले तारहन हैं, उन वाली बन यलंब बोधे, तेरे नौजवान उठेंगे, इनरे उन वाली बन इल्ले आ, क्या आज आपके नौजवान नहीं है, उन वाली बन आंडवर का इल्ले आ, आपके नौजवान परमेश्वर के लिए नहीं है, वाली बने खुरित नहीं आले गरे कुमार ले आंडवर के टर करा, तेरे नौजवान के बारे में परमेश्वर की उपस्थिति पर रोक कर बोला के उसे सुना है, कुमार इरकरा आंडवर समुद्र आलद गुंडर के पुला मले के टर करा, तेरे नौजवानों के बारे में परमेश्वर की उपस्थिति पर रोए हुए आवाज को वाणियों को परमेश्वर ने सुना है, उन वाली बन आंडवर का यलम बवा, तेरे जवान लोग परमेश्वर के लिए उठेंगे, अंद वाली बने आंडवर बायनबड़तुवा, उस जवान को परमेश्वर उपयोग करेगा, अवन देवुडे कैगल इरकरा मुत्रय एनपडवान, और वो परमेश्वर के हाथ में रहने वाले एक मोहर की समान है, मुत्रई मोदरम आइरपान, मोहर की अंगूठी है, ஒரு புறத்துல நீங்கள் எழும்புவீர்கள், एक छोर पर आप उठेंगे, உங்களை ஆண்டவர் எழுப்புவார், तुम्हें परमेश्वर उठाएगा, இப்படியே உங்க குடும்பத்தை ஆண்டவர் மறுரூபப்படுத்துகிறார், ऐसे तुम्हारे परिवार को परमेश्वर वापस पुनर्तान करेगा, रूपांतर कर रहा है, आई एम नॉट प्रीचिंग, आई एम प्रोफेसी राइट नाउ, मैं आपके लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, I am prophecy right now, मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं, इन्हें की उदवा करमा उक महान दिख रहा ना, आप आपके बेटा किसी बातों के लिए लायक नहीं है, ना लायक है, मगले पर तो उदवा करमन
குமாரனை சொல்கிறார்களா? அப்படி பெட்டி கோ தேக்கர் நாலாயக் கேத்தே ஹே. இன்னைக்கு உலகம் குமாரனை பார்த்து குமாரத்திகளை பார்த்து பரியாச பண்ணுகிறார்களா? ஆஜ் சன்சார் ஆப்கி பேட்டே பேட்டியோ துனியா லோக் பேட்டே பேட்டியோ தேக்கர் மஜாக் உடா ரஹா ஹை. அவர்களை கர்த்தர் நட்சத்திரங்களை போல பயன்படுத்த போகிறார். உனே தாரகன் கி சமான் மேரே பரமேஸ்வர் சமகாலே வாலா ஹே. ஆண்டவர் கா பிரகாசிப்பார்கள். மே லோக் பரமேஸ்வர் கே லிய ஜோதி தேங்கே சமகேங்கே. கர்த்தர் காக எழும்புவார்கள். பரமேஸ்வர் கே லிய உட்டேங்கே. இந்த நாள் ஆண்டவருடைய ஆவியே சொல்லுகிறார். ஆஜ் கி தின் பவித்ர ஆத்மா கேதா ஹே. நீ நினைத்திராத நான் செய்வேன் மகனே. தூ ஜோ சோச்சா பி நஹீ வைஸ காமோ கோ மே கருங்கா. என் கைகள் உன் மேல் அமர்ந்திருக்கிறது. மேரே ஹாத் தேரி ஊபர் ஹே. என் கரங்கள் உன் மேல் அமர்ந்திருக்கிறது. மேரே ஹாத் தேரி ஊபர் ஹே. உன் மகன் சொல்வதை உன் மகள் சொல்வதை நீ காண்பாய். தேர பேட்டா பேட்டி ஜோ பவிஷ்யவாணி கரेंगे உசே ஆப் தேகेंगे. அவர்கள் எழும்பி சொல்வார்கள். வெல கூட்கர் போலेंगे. நான் தூதனை கண்டேன். வெ போலेंगे कि मैं दूतों को देखा हूं. நான் தூதனோடு பேசினேன். मैं दूतों से बात किया. அப்பொழுது குமாரரே அல்லாஹ்வே ஏதோ அசட்டையா என்னாதே. தா தேரே பேட்டே பேட்டியோ கோ துச்ச மத் சமஜனா. அவர்களை என்கரேஜ் பண்ணுவாயாக. உன்னை உற்சாக திலானா. உங்கள் குமாரரோடு தூதன் பேசுகிற காலம் இது. तुम्हारे बेटे बेटी से दूत लोग बात करने का समय है. தூதர்களை அவர் சாதாரணமாய் பார்ப்பார். தூதோ கோ சாதாரண சே தேகेंगे. ஆமென். அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியோடு பேசுவதை நீங்கள் காண முடியும். மே பவித்ர ஆத்மா சே பாத் கரेंगे இஸ் ஆப் தேகेंगे. அஸ்னா மாகலா சூராந்தர சதீனமா த இயர்ஸ். அந்த வருஷத்தை மீண்டும் குடும்பத்து மேல ஃபிக்ஸ் பண்ண அப்படி பேசிட்டு இருக்க நேரத்துல அந்த இயர் அந்த வருஷம் அப்படியே உருண்டு வருது. ஜப் மே பாத் கர்தா ஹூ ஜோ வர்ஷ் பீத் கயா ஹே வர்த் சே வோ சப் வாபிஸ் ஆ ரஹி ஹே. இயர்ஸ் வோ ஜோ வர்ஷோ years wo jo varsho adu un kudumbath mela katha fix pan raha teri parivar ke par permission wapas lota raha atayala mai fix pan raha usse ek chinno ki tarah atayala mai fix pan raha chinno ki tarah wo wapas atayala mai fix pan raha chinno ki tarah usse fix kar raha hai ta 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 restoration edo restoration nadakkirathu wo lota raha hai kuch to lotane wali baat chal rahi hai amen under restoration pan raha hai permission se lota raha hai unka mera varanga sel pada pogurathu tumhare par vartan kaam karne wali hai mera kripa sel pada pogurathu tumhare par uski kripa kaam karne wali hai mera varanga sel pada pogurathu tumhare par uski vartan kaam karne wali hai the years is coming to your life jo varsho beet gaye hai varsh se wo wapas lota kar aa kartrude aavina solgaran varshate unak tarugren pavitra atma kehta ki wo jo varshon ko wo jo saalon ko tere liye de raha hu aavikuri edala ninge elandirgalo aatmik level par jo jo paatro ko khoye the ad ella aandavar tarugrar wo sab parmeshwar wapas lota kar de raha kalangal taaniyam nirambaliya tumhare kalihan mein anna se nahi bara hai kya inne ki pherage aaj ke baad ningal panat காக கஷ்டப்பட போவது இல்லை. பைசா கே லிய தக்லீஃப் நஹீ உடாயேங்க. 24 வசனத்தை ஆண்டவர் ரெஸ்டரேஷன் பண்ணுகிறார். 24வா வசன கோ तुम्हारी जिंदगी पर परमेश्वर रख रहा है. ஆண்டவர் சொல்கிறார். परमेश्वर कहता है. ஒன்லி நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மட்டுமல்ல. केवल तेरे आत्मिक जिंदगी पर नहीं. ஆண்டவர் உன் శరీర ஆசீர்வாதையும் தருகிறார். परमेश्वर शारीरिक आशीर्वाद भी देता है. उन கலங்கள் தானியத்தால் நிரம்பும். तेरी கலிஹான் अन्न से भर जाएगी अपनी ना और कोई उनक वरादे इसके मतलब कोई कमी घटी तेरी जिंदगी पर आगे से नहीं आएगा आंदोलन कलंगते ना उन कलंचेते नरब होगदा तेरे कलिहान को परमेश्वर अन्न से भराने वाला है आंदवर कलंग उनोड़े कलंगतिले नरय नन्मे तरब होगदा तेरे कलिहान में कहीं भलाई से भरने वाला है इने वाला कोरेचल इरकादे अभी तेरे लिए कोई कमी घटी नहीं எல்லா கொரச்சல்களும் இந்த நாள் முடிவடைகிறது सारे कमी घटी तेरी जिंदगी में आज से खत्म हो रही है எல்லா நன்மைகளின் குறைவுகள் முடிவடைகிறது सारे भलाई की कमी घटी आज ही खत्म हो रहा है ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதோடு శరీర ஆசீர்வாத வருகிறது ஆத்மிக ஆசீர்வாத के साथ तेरी शारीरिक सांसारिक ஆசீர்வாத भी आ रही है நாளைகளில் திராட்சை ரசம் எண்ணெய் வழிந்து ஓடும் तेरे रस कुंड में नया दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे திராட்சை ரசம் எண்ணெய் வழிந்து ஓடும் नए दाख मधु और ताजे तेल उमड़ेंगे இந்த 24 வசனம் உங்களுக்கு நிறைவேற போகிறது இஸ் டாபிஸ் வசனம் आपकी जिंदगी पर पूरे होने वाली है 24 வசனம் சொல்கிறது எல்லா நன்மையால் நிரப்புவேன் 24 வசனம் में लिखा कि सारे भलाई से तुझे मैं भर दूंगा கர்த்தர் சொல்கிறார் परमेश्वर कहता है लोडर वो हमें भर देगा அவர் நம்மை நிரப்புவா वो हमें भर देगा அது வழிந்து ஓடும் वो उमड़कर भागेगा உங்களுக்கு மட்டுமல்ல केवल आपके लिए नहीं உங்கள் மூலமாய் நிறைய பேர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் तुम्हें लेकर कहीं लोग आशीर्वाद को पाएंगे அந்த நன்மை உங்களுக்கு மட்டுமல்ல வழிந்து ஓட போகிறது वो भलाई केवल तुम्हारे लिए नहीं लिखा कि वो उमड़कर भागेगा फैलेगा आमेन வலிந்து ஓட போகிறது வோ உமடக்கர் ஜாயா வலிந்து ஓட போகிறது வோ உமடக்கர் கிராயா வலிந்து ஓட போகிறது உமடக்கர் ஃபெயிலேகா ஆசீர்வாதம் வலிந்து ஓட போகிறது ஆசீர்வாத் तुम्हारे जिंदगी पर உமடக்கர் வலிந்து ஓட போகிறது வரதன் உமடக்கர் ஜாயேகா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் வலிந்து ஓட போகிறது ஆத்மிக ஆசீர்வாத் உமடக்கர் ஜாயேகா தி டூ பிளஸிங் दो
எவ்வளவு பிரகார ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஏக ஆத்மிக் வரதான் இரண்டாவது சரீர நன்மைகள் दूसरा சரீரிக் பலாய் இந்த ரெண்டையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு திருப்ப போகிறார் ये दोनों परमेश्वर तुम्हें वापस लौटा कर देने वाला है ஆண்டவர் ரெஸ்டரேஷன் பண்ண போகிறார் परमेश्वर लौटाने वाला है 26 அப்பதான் நீங்க சம்பூர்ணமா சாப்பிட முடியும் तब तुम संपूर्णता से खा सकते हैं திருப்தி அடைந்து तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्यकर्म का काम किया है मेरे प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के बीच में हूँ नाने उंगल देवनागी कर्ता और मैं यहोवा तुम्हारे परमेश्वर हो और कोई दूसरा नहीं है इसे जान लेंगे मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी उन बातों की बात में कभी इस ऊपर की जितने भी वचन हम पढ़े थे ये सब परमेश्वर हमें वापस लौटा कर देने के बाद उसके बाद ही हमें भरता है जो बातों को कहे थे वो सब वापस लौटा कर देने के बाद ही तुम्हें भरा आएगा उन बातों के बाद ही तुम्हें वो भरा आएगा उस जो बीते हुए वर्ष जो व्यर्थ में गया उसे बराबर नाप कर वो देता है அந்த வருஷத்தை அப்படியே தருகிறார் உஸ் சாலோக்கு வாபிஸ் வைசே தேதா ஹை அந்த வருஷத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மை எல்லாம் மீண்டும் தருகிறார் உஸ் சாலோ பர் ஜோ ஜோ பலாய் கோ பைட்டே தே உஸ் சப் வாபிஸ் உமே லோட்டா கர் தேதா ஹை சொல்லுங்க நான் ஒண்ணு இழந்து போக மாட்டேன் போலியே மே கோய் பி பாத்தோக்கோ கோ இங்கா ரஹி கரங்கள வச்சு நான் ஒண்ணு இழந்து போறது மே கோய் பி பாத்தோக்கோ கோ இங்கா ரஹி நான் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் மே ஜிஸ் பரமேஸ்வர் கா ஆராதனா கர்தா ஹூ நான் அவருக்கு முன்பாக மே உஸ்கே சாமனே நான் அப்படி தாழ்மையா விழும்போது மே ஜப் நம்ர ஹோக்கர் கிர்தா ஹூ அந்த எல்லா வருஷத்தின் நன்மை எனக்கு தந்துரு உஸ் பூரா வருஷோ கி பலாய் கோ முஜே வாபிஸ் லோட்டா கர் தேதா ஹை சில நேரங்கள்ல குட் சமயம் குடும்ப பிரச்சனை நிமித்தமாக பரிவாரிக் சமஸ்யா கி வஜஹ் குடும்பத்துல பண பிரச்சனை நிமித்தமாக பரிவார் பர் ஜோ பைசா கி சமஸ்யா கி வஜஹ் சே சில நேரங்களில் ஆண்டவர் அதிகமா தேட முடியாமல் போய்விடுகிறது குச்ச சமயம் பர் இஸ்கே வஜஹ் சே ஹம் பரமேஸ்வர் சே தூர் சல ஜாதே ஹை ஆண்டவர் சொல்றார் பரந்து பரமேஸ்வர் கேதா ஹை அமே சரியா அந்த வருஷத்தை நான் உனக்கு தருவேன் ஜோ ஜோ பாத்தோ கோ கோய்தே வு சால் கி பூரா பலாய் சஹி ஈ சால் கி சமான் மே தூங்கா உனக்கு தந்து உசே மே தேக்கர் உன் குடும்பத்தின் மேல என் வரங்களை ஊற்றுவேன் தேரே பரிவார் கி பர் மேரி வரதான் கோ உண்டே லுங்கா ஹalleluya 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 எதற்கு பின்பு கிஸ்கே பாத் எதற்கு பின்பு கிஸ் பாத்தோ கி பாத் இதெல்லாம் மேல உள்ள எல்லாம் நடக்கணும் ஊப்பர் கி 24 से लेकर 27 में जो भी हुआ है वो सब होना है पहला அப்பே அத்தனை நன்மை நல்லா புசிக்கணும் वो सब பலாய் पहला हम पहला लेकर காணா है திருப்தி அடையணும் திருப்த होना है சம்பூர்ணமா சாப்பிடணும் சம்பூர்ணதா से காணா है 2018 अपने जिंदगी पर परिपूर्णता आना है परिपूर्णता को आप अनुभव करेंगे परिपूर्णता को आप अनुभव करेंगे केवल परमेश्वर उसके लिए नहीं उसके बाद वरदान से तुम्हें शोभायमान कर देगा ऊपर की पूरा वचन अपनी जिंदगी पर पूरा होने के बाद ही ये जो 28 का वचन हमारी जिंदगी पर पूरा होगा ऊपर की जो आशीर्वाद पूरा होने के पहले ये वचन पूरा नहीं होगा क्यों अपने बेटे बेटिया भविष्यवाणी नहीं करते हैं ऊपर की वचन पूरा नहीं हुआ अपनी जिंदगी में ऊपर की वचन अपनी जिंदगी पर अभी तक लौटाया नहीं वो वैसे ही है जैसे है अपने नौजवान क्यों भविष्यवाणी कर पा रहे हैं उनके पर जो ऊपर रखा हुआ वचन पूरा नहीं हुआ वो पूरा होना है वो पूरा आज हो रहा है आज पूरा हो रहा है पूरा होने वाली है पूरा होने वाली मेरे भाई குமார தானா தீர்க்கதரிசி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க வேலோ
अपने बेटे बेटिया वैसे भी भविष्यवाणी करने लगेंगे। इसके बीच में कौन उन्हें सीधा करना है? ये कीड़ा लोगी। पूछी का नंडी सल रही। ये कीड़ा को कभी आप धन्यवाद करते हैं? धन्यवाद दिया है क्या? உங்களை திருத்துறதுக்கு இந்த பூச்சி வேலை செஞ்சிருக்கு. தூமே சீதா கரணி கே லியே கீடா கோ பரமேஸ்வர் பேசதா ஹே இஸ்கோ கபி தன்யவாத் தியா ஹே க்யா. ஹலோ சுனியே, உங்களை திருத்துற இந்த முசுகுட்ட பூச்சி இந்த வெட்டு கிளியோ இதுதான் உங்களை திருத்திருக்கு. தூமே சீதா கரணி கே லியே இஸ் பிரகார் கி டிட்டியா ஏலக் யே காஜாமா யே சபி ஆப்கோ யார் சேனா? ஏக் இஸ்கா சேனா ஹே தல் ஹே பெரிய சேனையா உஸ்கா படா சேனா ஹே இதுதான் உங்களை திருத்திச்சா. யே ஹி ஆப்கோ சீதா கியா ஹே அதுக்கு பிறகு உஸ்கே பாத் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சா? பரமேஸ்வர் நே க்யா கியா? அவர் தம்முடைய அந்த வருஷத்தை உங்களுக்கு தருகிறார். உஸ்னே ஜோ கோயா வருஷம் கோ துமே வாபஸ் லோட்டா கர் தேதா ஹே. ஆமென் ஆமென். இந்த பூச்சிகளுக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? ஆண்டவருடைய பூச்சிகள் ஏ பரமேஸ்வர் கே கீடா ஹே சேனா ஹே இஸ்கோ தன்யவாத் கர்னா ஹே. இந்த பூச்சிகளுக்கு நன்றி செலுத்தணும் வேண்டாமா? ஏ கீடா கோ தன்யவாத் கர்னா ஹே கி நஹி? நீங்க சொல்றீங்களோ இல்லையோ இது ஆண்டவருடைய சேனா. ஏ போலோ ஏ மத் போலோ ஏ பரமேஸ்வர் கி சேனா ஹே. இது அடிக்கடி உங்க வீட்டுக்கு வரும். ஏ பாரன் பார் आपके घर पर आएगा. இருந்தாத பச்சத்துல அப்படியே போய் வந்து எட்டி பாக்கும். யா சீதா நீ होंगे तो बार बार आपके घर पर आकर जा कर देखेगा और जनलोड एटी बाको खिड़की से देखेगा ये सेना उनका क्या मंडराला क्या सही प्रार्थना करते हैं प्रेयर रखदा क्या प्रार्थना करते हैं कि नहीं अरे तिल तिल थूंगराला या का का कर सोते हैं पकड़ चलो ना पूछी वरण में अंडामा आप बाजू वालों को ये पूछिए ये कीड़ा आपके घर पर आना है कि नहीं हां ये कीड़ा तंबी ब्रदर रे भाइयों ये कीड़ा आपके घर पर आना है कि नहीं आना है कि नहीं आप सही रहेंगे तो नहीं आएगा நீங்க ஒழுங்கா இருந்தா வராது अगर आप तेरे मेरे चालू है நீங்க சரியா இல்லட்டா थोड़ा सा पहले आएगा पहला कौन आएगा टिटिया आ मोद வெட்டுக்கிளி வருமா पहला टिटिया आकर ऐसा जाकर देखेगा आदलिए திருந்தட்டா उस पे भी नहीं मन फिरा तो दूसरा कौन आएगा பச்சைக்கிளி ஏலக आएगा பக்கத்துல போய் சொல்லுங்க பாஜி வாலோ கோ தேக்கர் போலியே முத வெட்டுக்கிளிலே திரிஞ்சிரணும் பஹலா டிட்டியா மே ஹி ஹம் சீதா ஹோ ஜானா ஹே ஹலோ ஆண்டர் ஒவ்வொன்னா தான் அனுப்புகிறார் பாருங்க பரமேஸ்வர் ஏக் ஏக் சே நா கோ பேசதா ஹே நீங்க அடங்க சிலர்ல அடங்க மாட்டீங்கல குத் சமய பர் ஆப் உஸ்கே லியே பி மாண்டே நீயே கண்ட்ரோல்ல வர மாட்டீங்க அதனால என்ன சரி அடுத்த அனுப்புறார் इसलिए उसको मानना नहीं तो दूसरा सेना को भेजता है अधिक खेल पड़ेटा उसके लिए भी माना नहीं तो हड़ताल है दूसरा सेना இப்படி நாலு பேர் உள்ள வந்துட்டாங்க ऐसा चारों साथ में अंदर आ गया तो सब काकर चला जाएगा अधिक नरमिरा उसको पेट भर जाएगा अरे उंगली नरमबा तुम्हारे कुछ भी भरेगा नहीं पर नहीं कहना सही ना तो आप क्या करना है परमेश्वर இறங்கு பாப்பா மேரே மண் உத்ரோ நீங்க வெட்டுக்கிளியே போய் வெட்டுக்கிளி வெளிய போச்சானே அது சொல்லோம் நீ முத வெளிய போ சொல்லோம் டிட்டியா கோ बोलेगा बाहर जाओ तो वो पहला बोलेगा तुम बाहर जाओ ये हमारा घर है हमारा बाप ने भेजा इधर हालेलुया தகப்பன் எங்களை அனுப்பி இருக்காங்க சொல்லுங்க எங்க வீட்ல இதெல்லாம் வர கூடாது बोलिए मेरे घर पर ये सब नहीं आना है சொல்லுங்க எங்க வீட்ல இதெல்லாம் வர கூடாது बोलिए मेरे घर पर ये सब नहीं आना है ஆனுடே ஆனுடே சேனாடா ये परमेश्वर की सेना है आज के दिन सुनने वाले परमेश्वर प्रिय लोगों मिशन 5/1 Southern Wadi Lake Road opposite police station Bandup West Mumbai 78 Mobile number 09022244433 or email address manasepastor@gmail.com எங்கள் முகவரி Bethesda Gospel Mission Mele Mignanapuram தென்காசி தாலுகா திருநெல்வேலி மாவட்டம் 627814 செல் நம்பர் 9791702207 கத்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமென்